न्यायालय से अभियुक्त सुरेश ने मुकदमे से निकलने के लिए पुलिस पर बनाया राजनीतिक दबाव। थाना कलान और मिर्जापुर में हत्या एवं हत्या का प्रयास का अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मुकदमे हैं दर्ज। शाहजहांपुर कलान मामला थाना कलान क्षेत्र के ग्राम शेरपुर कुरैया का है, जहां पर गांव के दबंग अपराधी सुरेश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गांव के ओमवीर पुत्र शिशुपाल व उसके पुत्र टिंकू को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से जमकर पीटता था और नाजायज असलाओं से फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे, जिसका मुकदमा कलान थाने में अपराध संख्या 371 2019 धारा 147 148 149 506 एवं मेडिकल के आधार पर 308 एवं 325 थाना कलान पर पंजीकृत किया गया था। एक महीने से अधिक हो जाने पर भी अभियुक्त सुरेश आदि अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। सुरेश पर थाना कलान एवं मिर्जापुर में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि FIR नंबर 511 2013 धारा 467 468 471 IPC, FIR नंबर 351 2018 धारा गुंडा एक्ट, FIR नंबर 22 2017 धारा 147 148 149 307 436 504 IPC, FIR नंबर 148 1997 धारा 323 504 506, FIR नंबर 341 1997 धारा 147 148 149 307 323 504 506 IPC, FIR नंबर 111 1996 धारा 147 148 425 524 506 IPC, FIR नंबर 134 1997 धारा 147 148 149 307 302 330 504 IPC, FIR नंबर अज्ञात धारा 302 330 IPC, FIR नंबर 0102 धारा 363 366 IPC, FIR नंबर 371 2019 धारा 147 148 149 506 323 308 325 IPC एवं गुंडा एक्ट वर्तमान में थाना कलान में प्रचलित है। ऐसे अपराधी का खुले आम घूमना कितना हानिकारक हो सकता है, यह बात ओमवीर से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सुरेश ने नाजायज असलाओं के दम पर ओमवीर और उसके पुत्र टिंकू की गांव के ही अपने दबंग साथियों अरबेश पुत्र राजेंद्र कल्लू उर्फ कल्याण पुत्र देवपाल अमित सुमित रवि MP उर्फ जैबरन रामबरन एवं सुरेश पुत्र राजपाल से पिटाई करवा दी थी। पीड़ित ओमवीर आज भी मरणासन्न हालत में चारपाई पर लेटे हैं। मुख्य अभियुक्त सुरेश ने मुकदमे में लाभ पाने के लिए नई चाल चलते ही हुए अपने घर में खुद ही तोड़फोड़ कर ली है और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक लोगों के चौकटों पर पैसे के बल पर मत्था टेकना शुरू कर दिया है। पुलिस के ऊपर नाजायज तरीके से दबाव बनाकर मुकदमे से बचने की जुगत में अभियुक्त सुरेश हर मोड़ पर पुलिस के साथ नया गेम खेल रहा है, जिससे व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा है जिससे गांव की जनता त्राही त्राही कर रही है। उसका यूं खुले आम घूमना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पीड़ित ओमवीर के अनुसार सुरेश आदि ने उसको धमकी दी है कि यदि राजीनामा नहीं किया तो तुमको और तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? किन किन लोगों ने मारा है तुम्हें? अच्छा, ये बताओ कि ये इन्होंने तुम्हें मारा क्यों? क्या रंजिश है तुम्हारी इनसे? हमारी लड़की ने करवाई गई, हमने केस में पैदा हो। किन किन लोगों पे केस डाला है आपने? नहीं, सब पैदा हो। अच्छा, कहाँ केस डाला है आपने? केस सही जा रहे। अच्छा।